श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर इस महाशिवरात्रि आप सोच रहे हैं कि घर में शिवलिंग को स्थापित करें या एक नया शिवलिंग घर लेकर के आए, तो शिवलिंग रखने से पहले कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप जो हैं शिवलिंग को अपने घर लेकर के आए और उनकी सही तरीके से पूजा अर्चना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा, आप सभी के वास्तु एक्सपर्ट और सलाहकार, पाम रीडर, टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजर। दोस्तों, शिवलिंग शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी पूजा से भी शुभ फल मिलते हैं। यदि आप शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, इससे शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी और आप सुख समृद्धि का भोग करेंगे। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग रखने से उसकी केयर बहुत ज़रूरी है, अगर उसमें आप चूक जाते हैं तो शिवजी नाराज भी हो जाते हैं। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, उसको वैसे ही रख करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए, नित्य बेलपत्री भोग पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में यदि नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग अगर है तो यह बहुत ही शुभ होता है, यानी कि नर्मदेश्वर यह बहुत ही शुभकारी शिवलिंग है। अगर यह मिले आपको तो अवश्य अपने घर में रखें। घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के जो सबसे ऊपर का फोर है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग को मंदिर में रखा जाना चाहिए, घर पर नहीं। यह घर पर बड़ा शिवलिंग घर पर अशुभ फल की प्राप्ति करवाता है और बड़ा शिवलिंग अगर आप मंदिर में रखवाते हैं तो यह आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। शिवलिंग की रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव न हो तो घर में आप शिवलिंग बिल्कुल भी ना रखें, वरना आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट भी मिलने लगेगा। शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाना चाहिए। क्या अगर आपने सोचा है कि छत के नीचे कहीं कमरे में रख दें तो बिल्कुल भी नहीं, शिवलिंग हमेशा बाहर ही होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक चूंकि शिवलिंग से हर वक्त एक बहुत ही तेज ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग शिवलिंग पर हफ्ते भर में या फिर प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, वह पर्याप्त नहीं होता है, इससे घर में अशांति भी रहती है। तो अगर संभव हो सके तो शिवलिंग पर जलधारा की व्यवस्था करें। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह सोने चांदी या तांबे से बना होना चाहिए और उसी धातु का एक नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ संकेत भी देता है। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी अप्रिय है। इन सब चीजों से शिव जी नाराज हो जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर इन सब चीजों पर भी बिल्कुल भी ना करें। घर में रखे शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ भगवान शिव पर के परिवार की फोटो भी जरूर रखनी चाहिए, यानी कि माता पार्वती, कार्तिकेय और श्री गणेश, ये पूरा परिवार एक साथ शिवलिंग के पास होने से पूरा परिवार हो जाता है तो शिव जी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप पार्वत का भी शिवलिंग घर में रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो
तो आप महाशिवरात्रि पर पार्वती के शिवलिंग को भी घर में स्थान दे सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे कि वह अंगूठे से छोटा होना चाहिए, अंगूठे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो अंगूठा है साइज है उसके अकॉर्डिंग ही रखें। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में शुभ नहीं माना जाता है और उसकी केयर ज़रूर करें। तो दोस्तों यह थी कि अगर आप के घर में शिवलिंग अगर लेकर के आ रहे हैं तो किस प्रकार से उनका ध्यान रखें ताकि शिव जी की कृपा जो है आपके ऊपर बरसती रहे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।